हेलो फ्रेंड्स, आई एम नाउ योर फिटनेस कोच एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नाउ फिटनेस टीवी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 6 गलतियां जिनकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही है। चाहे आपका जो फिटनेस गोल हो वो हो वेट लॉस करना, चाहे एब्स निकालने हो या फिर साइज गेन करना हो, तो कोई भी आपका फिटनेस गोल हो, अगर आप ये 6 गलतियां करते हैं तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है। तो सबसे पहले आप दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन बेल बटन, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। एंड दोस्तों, यू कैन फॉलो मी, मेरा पेज है इंस्टाग्राम पर, आप इंस्टाग्राम पर जाकर नव फिटनेस उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहां पे मैं हर रोज फिटनेस के रिगार्डिंग आपको मोटिवेशन टिप्स देता हूं। एंड आप फेसबुक पे भी मेरा पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, आजकल जो ट्रेंड है, फिटनेस का ट्रेंड है, तो हर एक बंदा चाहता है कि मैं फिट लगूं, मुझे जो कपड़े पहनूं वो अच्छे लगे उसे। तो चाहे वो लड़की है, लड़का है, कोई बंदा एज्ड है, तो सभी ये चाहते हैं कि वो फिट लगे। जब भी कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है तो उसका एक होता है फिटनेस गोल, वो करना चाहता है वेट लॉस, या फिर वो सिक्स पैक निकालना चाहता है, या फिर वो स्ट्रेंथ गेन करना चाहता है, मतलब कि ओवरऑल उसकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म करना चाहता होता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि बंदे इन बिटवीन क्विट कर देते हैं जिम। कई लोग ऐसे होते हैं पूरे ईयर की, साल की फीस दे देते हैं, तो एक मंथ में ही उनकी बस हो जाती है, तो दोबारा वो जिम नहीं जाते हैं। उनकी जो मोटिवेशन होती है वो खत्म हो जाती है, बिकॉज जिस वजह से उन्होंने जिम करना स्टार्ट किया होता है तो वो रिजल्ट उनको मिल नहीं पाता है, तो इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। तो ये वाली जो इम्प्रूवमेंट्स होती हैं बॉडी ट्रांसफॉर्म होने में, कुछ चीजें मैटर करती हैं। तो वो कौन सी 6 गलतियां हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी है जो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती एंड वो इन बिटवीन क्विट कर देते हैं। तो नंबर 1 जो मिस्टेक है वो कॉमनली जो लड़के हैं वो करते हैं, तो नंबर 1 जो चीज है वो है कि एक गोल पर स्टिक नहीं रहते हैं। जैसे कोई बंदा जिम ज्वाइन करता है, उसने वेट लॉस करना है, तो उसको क्या करना होगा, कैलोरीज कम खानी है, उसने कार्डियो एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही वो किसी दूसरे लड़के को देख लेता है जिसके बिग बाइसेप्स हो, चेस्ट हो, ऐसे लड़के को देख लेता है, तो उसका जो गोल होता है साइज गेन करने की ओर चला जाता है। मतलब इन बिटवीन जो उसका वेट लॉस करने का गोल था वो कन्वर्ट हो जाता है साइज गेन करने में, तो वो चाहता है कि मैं भी साइज गेन करूं। तो एक गोल पर स्टिक रहना पड़ता है। अगर आपने वेट लॉस करना है तो आपको उसका एक प्रॉपर डिफरेंट स्केड्यूल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने मसल्स गेन करने हैं तो उसके लिए आपको एक डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट स्केड्यूल फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज जब आपने वेट लॉस करना होता है तो कैलोरीज आपको कट डाउन करनी होती है, एंड जब आपने साइज गेन करना होता है तो कैलोरीज आपने सरप्लस करनी होती है। तो मोस्ट जो पहला रीजन यही है कि आप एक गोल पर स्टिक नहीं रहते हैं, तो पहले आपको अगर वेट लॉस करना है उसको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने मसल साइज गेन करना है तो फिर उस चीज की ओर आपको ध्यान देना होगा। नंबर 2 जो गलती है वो है कि प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं करते हैं। प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, अगर आप आज जिम ज्वाइन करते हैं तो आपसे एक 20 kg की जो बारबल है, रॉड है, उसके साथ अगर आप एक्सरसाइज कर पाते हैं तो फिर दोबारा एक हफ्ते के बाद आपको उसमें 1-1 kg, 2-2 kg, जितनी भी आपकी कैपेसिटी से थोड़ी सी ज्यादा आपने लिफ्ट करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट जो गलती है वो है आप प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं करते हैं, जिसका मतलब है कि जब आप कोई बंदा जैसे जिम ज्वाइन करता है तो उसकी जो लिफ्टिंग पावर होती है, जैसे मान लो स्क्वाट करता है वो 60 kg की कर लेता है, तो अगर वो लगातार 2-3 months तक वही 60 kg के ही रेपिटेशन कर रहा है, 10-10, 12-12, तो उसकी जो बॉडी है, जो ग्रोइंग पावर होती है बॉडी की, वो इंक्रीज नहीं होगी, ना ही उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ना ही उसके जो मसल्स फाइबर्स हैं वो ब्रेक डाउन होकर जो न्यू फाइबर्स बनते हैं वो भी नहीं बनेंगे। तो करना क्या होता है, कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं
तो ईच टाइम यू नीड टू इंक्रीज द एंड्योरेंस एंड जो आप वेट होते हैं आपको वो इंक्रीज करने पड़ेंगे ताकि आपको पहले से ज्यादा जोर लगाना पड़े। तो हमारी बॉडी भगवान ने इस तरीके से बनाई है, जब हम थोड़ा सा अपनी लिमिट से ज्यादा कोई स्ट्रेंथ जोर लगाने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर एनर्जी आती है, मसल्स डिवेल्प होते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब आपने अपनी लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा आपने लिफ्ट करने की कोशिश करनी है ता जाकर आपके जो मसल्स बिल्ड होंगे। सेम चीज वेट लॉस के लिए भी एप्लीकेबल होती है कि आप आज 5 मिनट रनिंग कर रहे हैं तो आप 2 महीने 5-5 मिनट ही रनिंग कर रहे हो तो आपको रनिंग भी बढ़ानी है, एक्सरसाइज में आपने प्रोग्रेस करनी है, तब जाकर आपकी जो बॉडी है, आपके जो ट्रांसफॉर्मिंग गोल है उसकी और प्रोग्रेस होगी। नेक्स्ट जो गलती है वो है कि हमारी बॉडी के जो बिग मसल्स होते हैं जैसे थाई एंड लैट्स, चेस्ट, इनकी और आप कम ध्यान देते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, चाहे आपने वेट लॉस करना हो या फिर मसल बिल्डिंग करनी हो, तो जब नया नया बंदा जिम जाता है तो मोस्टली उसका ध्यान होता है अपने बाइसेप्स की और, या फिर सिक्स पैक देख के फोटो किसी की या किसी को देखकर सिक्स पैक बनाने का वो चाह होता है उसे, तो वो इग्नोर कर देते हैं थाई मसल्स को एंड जो लैट्स है एंड चेस्ट मसल्स के लिए जो मल्टी ज्वाइंट मूवमेंट होती है, कंपाउंड एक्सरसाइजेस, उनको जो इग्नोर कर देते हैं, उनको पता नहीं होता। तो चाहे आपने वेट लॉस करना है या फिर आपने मसल बिल्डिंग करनी है, आपको जो बिग मसल्स हैं जैसे थाई को आपने डेफिनेटली ट्रेन करना है। थाई को ट्रेन करने से क्या होगा, आपके ओवरऑल बॉडी का जोर लगेगा। जैसे आप डेड लिफ्ट करते हैं, आप स्क्वाट्स करते हैं, आप चिन अप्स करते हैं, पुल अप्स करते हैं, तो आपने जिम में जो बिग मसल्स हैं उनकी एक्सरसाइजेस करनी है एंड छोटे जो मसल है वो साथ में, जैसे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स हैं वो साथ में वैसे ही ट्रेन हो जाते हैं। तो आपने बिग मसल्स की ओर ध्यान देना है ताकि आपकी बॉडी की ग्रोथ हार्मोन्स इंक्रीज हो सके, तो तब जाकर आपकी जो बॉडी है ट्रांसफॉर्म और बढ़ेगी। नंबर 4 पर जो गलती है वो है ओवर ट्रेनिंग। आपको पता ही है ऐसे जिम में जाकर हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन जो ओवर ट्रेनिंग होती है वो एक डिफरेंट चीज होती है, हार्ड वर्क इज डिफरेंट थिंग। तो क्या होता है कि इतनी ज्यादा कई लोगों में मोटिवेशन होती है, वो दो दो तीन तीन घंटे जिम में वर्कआउट करते रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होते हैं जो कि बॉडी को कैटाबोलाइज स्टेज में लेके जाते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो जो मसल्स मास होता है वो इंक्रीज होने की बजाय वो कम होने लगता है, बिकॉज जो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है वो मसल्स में से जो प्रोटीन होता है उसमें से बॉडी को जाने लगती है। तो ओवर ट्रेनिंग को अवॉइड करना है, आपने इन बिटवीन द सेट्स भी रेस्ट करनी है, आपने 1-1.5 घंटे से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, आपने जस्ट देखना है कि आपका जो मसल है वो ट्रेन हो चुका है। जिम में ज्यादा टाइम बिताने से ऐसे नहीं होगा कि आपकी बॉडी जल्दी ट्रांसफॉर्म होगी, जो बॉडी की प्रोसेस है वो उस हिसाब से जो नेचुरल प्रोसेस होती है वैसे ही होगी। आप चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, बस आपने अपनी बॉडी को ओवर ट्रेन होने से बचाना है। नंबर 5 जो गलती है वो बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपने जैसे जिम में देखा होगा, अगर 100 बंदा आता है, उन 100 बंदों में से सिर्फ 2 या 3 लड़के या कोई भी जो ट्रेनी होते हैं वो ही फिट दिखते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि वो वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट पर भी ध्यान देते हैं। तो जो डाइट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आपने वेट लॉस करना है, मसल्स गेन करने हैं, कुछ भी करना हो, बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, तो जो डाइट है बहुत ही जरूरी होती है। डाइट, एक अच्छी डाइट में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर, ये सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो अगर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं जाएगी, आपके जो मसल्स हैं वो हैप्पी नहीं होंगे, तो जिनके कारण वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो आपको एक अच्छी डाइट लेनी होगी, तब जाकर आपकी जो बॉडी ग्रो करेगी। एज ए एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा मसल्स गेन करना चाहता है तो वो डाइट तो ले रहा है, उसे पता है जो अंडों में प्रोटीन मिलेगा, दालों में प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स, ओट्स या ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड ऐसे खाकर वो कर रहा है, अगर वो कैलोरीज को सरप्लस नहीं करेगा तो उसका जो साइज एंड स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होगा, बिकॉज हमारा जो वेट एंड मसल साइज है तब बढ़ेगा जब हम इनफ कैलोरीज लेते हैं, जो एनर्जी होती है वो स्टोर होती है बॉडी में, तब जाकर हमारी बॉडी रिस्पॉन्स देती है, वेट गेन होता है एंड साइज गेन होता है। तो डाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नंबर 6 पर जो गलती है वो है आप रेस्ट नहीं लेते हो। जहां पर रेस्ट का मतलब है कि नींद, प्रॉपर नींद का ना लेना, वो भी एक गलती है।
तो कई बंदे क्या करते हैं, वर्कआउट कर लिया एंड बाद में डाइट वगैरह खाकर रात को जैसे लेट नाइट सोते हैं, या फिर सारी रात पबजी खेलते रहते हैं, या फिर प्रॉपर मतलब कि किसी भी वजह से प्रॉपर एक नींद चाहिए होती है हमारी बॉडी को, 7-8 घंटे तक हम सोना पड़ता है, तब जाकर हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, जिनकी वजह से हमारी बॉडी डेवलप करती है एंड जो कोर्टिसोल लेवल होता है वो कम होता है। तो हमारी बॉडी की जो एनाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं वो नींद में होती है। अगर आप प्रॉपर नींद लोगे तो आप जल्दी से जल्दी आपका जो रिजल्ट है आप अचीव कर पाओगे। तो अगर आप नींद नहीं लेते हैं, जस्ट आप बैठे हैं, वो रेस्ट नहीं होती है, बैठे या फिर लेटकर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आप पबजी गेम खेल रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, वो रेस्ट नहीं है। रेस्ट का मतलब कि आपने प्रॉपर 7-8 घंटों के लिए प्रॉपर नींद लेनी है, ताकि आपकी जो बॉडी है वो जो टायर्डनेस होती है उससे रिकवर हो सके, आपके टिश्यू रिपेयर हो सके एंड आपकी बॉडी के जो इंटरनल हार्मोन्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी बॉडी की ग्रोथ में, वो इंक्रीज हो सके, वो रिलीज हो सके आपकी ग्लैंड में से, तो उसके कारण आपकी जो बॉडी है वो ट्रांसफॉर्म होगी। तो दोस्तों ये थी वो 6 गलतियां जो कॉमनली सभी लोग करते हैं जिनको रिजल्ट नहीं आता है। तो नंबर 1 पर जैसे मैंने बताया है कि एक गोल पर स्टिक नहीं रहते हैं, एक गोल को फॉलो करना होता है, चाहे वो वेट गेन हो चाहे वो वेट लॉस का हो, आपने एक गोल पर स्टिक रहना है। नंबर 2, आप प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं करते हैं, आपको लोड इंक्रीज करना होता है। नंबर 3 पर ओवर ट्रेनिंग करते हैं, तो ज्यादा टाइम जिम में बताते हैं। नंबर 4 पर है बिग मसल्स को ट्रेन नहीं करते हैं, थाई मसल्स को ट्रेन नहीं करते हैं, स्क्वाट एंड डेडलिफ्ट नहीं करते हैं। नंबर 5 है कैलोरीज को प्रॉपर नहीं लेते। नंबर 5 है कि अपनी डाइट को न्यूट्रिशन को सही नहीं लेते हैं, प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं। तो नंबर 6 में मैंने बताया कि नींद बहुत ही जरूरी है, नींद में ही आपकी बॉडी रिकवर होती है, मसल्स ग्रो करते हैं। तो होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।